हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेन फंक्शन में पिछले क्लास में फॉर्मेट पेंटर एंड मर्ज एंड सेंटर सीखा है। आज हम सीखेंगे रैप टैक्स एंड ऑटोसम। तो देखिए रैप टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रैप टैक्स मैं आपके किसी फंक्शन में बता देता हूँ रैप टैक्स क्या होता है। देखिए जब हम कोई काम करते हैं, आप देखते हैं रैप टैक्स में क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स मैं यहीं पर बता देता हूँ स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स ऑफ हिंदी, उसके बाद मैंने लिख लिया मार्क्स ऑफ इंग्लिश, उसके बाद लिख दिया टोटल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम डाल दिया राजू मोहन, और देखिए यहाँ पे मैंने इन सबका मार्क्स डाल दिया, लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमें पूरा दिख नहीं रहा है, ये हमें यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये देखिए पूरा दिख नहीं रहा है, तो हम इसका एक और कंडीशन होता है जिसे हम बोलते हैं रैप टैक्स। रैप का मतलब कटना होता है, उसी सेल के अंदर कट के उसके नीचे आ जाता है। जैसे रैप टैक्स किया, देखिए ये पूरा हमारा डिजिट दिखाई देने लग गया। आप ऐसे कितने भी बड़ा डेटा हो आप सिलेक्ट करके उसका रैप टैक्स कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से आपके सामने स्क्रीन पे पूरा खुल जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ऑटोसम बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ऑटोसम का यहाँ पे टोटल मुझे निकालना है, टोटल मार्क्स जैसे बताया था। तो जैसे ऐसा सब्जेक्ट हमारे पास और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना है। तो ऑटोसम के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करके ऑटोसम पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे इसका ऑटोसम का ऑल्ट इज इक्वल टू होता है। जैसे आपने ऑल्ट इज इक्वल टू किया तो आपका ये देखिए प्लस हो गया। तो जैसे आप ऑल्ट इज इक्वल टू करेंगे, देखिए ऐसा आपका ऑल्ट इज इक्वल टू मतलब ऑटोसम, ये ऐसा आपका प्लस हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम दोनों में से छोटा संख्या, तो आपने यहाँ पे मिनिमम लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू किया, लेकिन इस बार आपका सम आ रहा है। तो आप यहाँ से ऑटो सम के अंदर से आप मिनिमम में जाइए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा बस। अब देखिए इस तरीके से आप मिनिमम निकाल सकते हैं, आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो ऑटो सम के अंदर भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्शन लेना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे क्लिक किया देखो पूरा आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ सब्जेक्ट लेना है। आपके पास 2, 4, 5, 10 जितने भी सब्जेक्ट उतना आप ऐसे रेंज सेलेक्ट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अगर मुझे इफ़ कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे रिजल्ट ले लेंगे, रिजल्ट एवरेज के बिहेव पे लेंगे, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे मोर फंक्शन में चले जाना, आप इफ़ में जाएंगे, फिर इसके बाद आप ओके कर देना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके कंडीशन अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया हमारे एवरेज का सेल नंबर I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 33। फिर मैंने यहाँ पे ट्रू के लिए पास कर दिया और फॉल्स के लिए यहाँ पे कर दिया फेल। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा मेंशन हो चुका है, ये ट्रू फॉल्स होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स अब जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारा पास आ गया। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लग चुका है। तो हम एक्चुअली ऑटोसम के फंक्शन के अंदर से भी हम यहाँ पे फार्मूला एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।